बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शून्यकाल से माध्यम से ढेंगा एवं चिरोडी गोलीकांड का एसआईटी से जांच कराने तथा राज्य सरकार द्वारा एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी कोल परियोजना के तहत ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु कमेटी को पुनः प्रभावशाली बनाने हेतु मांग की। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव में ढेंगा गोलीकांड मामले में 8 केस एवं चिरोडी गोलीकांड में 6 केस हुआ था, परंतु कंपनी एवं तत्कालीन सरकार की मिलीभगत से सभी केस में कंपनी को क्लीन चिट दे दिया गया और अन्याय की हदें पार कर स्थानीय लोगों को झूठे केस में फंसाया गया, जिससे स्थानीय रैयतों और ग्रामीणों में हताशा और आक्रोश व्याप्त है। उच्च स्तरीय कमेटी के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि एनटीपीसी पकरी बरवाड़ी कोल परियोजना के तहत ग्रामीणों के समस्याओं के निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी वर्तमान में निष्क्रिय हो गई है, जिससे रैयतों में आक्रोश व्याप्त है एवं कंपनी द्वारा स्थानीय रैयतों के हक एवं अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सदन के माध्यम से सरकार से मांग किया कि रैयतों एवं ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराया जाए तथा उच्च स्तरीय कमेटी को पुनः प्रभावशाली बनाते हुए ठोस कदम उठाया जाए। बड़कागांव से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़कागांव में ढेंगा गोलीकांड मामले में 8 केस एवं सिरूडी गोलीकांड मामले में 6 केस हुआ था, परंतु कंपनी एवं तत्कालीन सरकार की मिलीभगत से सभी केस में कंपनी को क्लीन चिट दे दिया गया था और अन्याय की हदें पार कर स्थानीय लोगों को झूठे केस में फंसाया गया, जिससे स्थानीय रैयतों और ग्रामीणों में हताशा और आक्रोश व्याप्त है। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से यह मांग करती हूं कि रैयतों एवं ग्रामीणों को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण मामले की जांच एसआईटी द्वारा कराया जाए।